हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीड की। व्हाट इज स्पीड, यानी चाल क्या है? तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी के शुरुआत। तो सबसे पहले हमारे पास दो लड़के हैं जो कि एक दूसरे से रनिंग का कॉम्पिटिशन करते हैं। तो अब वो दोनों रेस को शुरू करते हैं, तब तो वे दोनों बराबर रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनमें से एक आगे निकल जाता है और दूसरा पीछे रह जाता है, और पहला इस तरह से हमारा रेस जीत जाता है, जो हमारा पहला बंदा होता है। तो पहला लड़का रेस क्यों जीता? इसमें सोचने वाली क्या बात है? ओब्वियसली स्पीड की वजह से, यानी उसकी चाल तेज थी, तो इसीलिए वह दूसरे लड़के से तेज दौड़ सका और रेस जीता। ये तो वो इसका आपको स्पीड के बारे में पता चल चुका है। अब इसका फॉर्मूला और डेफिनेशन क्या है वो भी देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस आप देखते रहो। जब उन दोनों लड़कों को रेस लगानी थी तो उन्होंने एक पॉइंट से दौड़ना शुरू किया और दूसरे पॉइंट पर जाकर रुक गए, जहां रेस का एंडिंग पॉइंट था। अब इससे हमें पता चलता है कि दो पॉइंट हैं तो उनके बीच में कुछ दूरी भी होगी, और माना वो दूरी हमारी 1600 मीटर थी। अब इससे एक बात तो पता चलती है कि स्पीड यानी चाल के लिए दूरी होना बहुत ज़रूरी है। अब फिर से देखते हैं, उन दोनों ने दूरी तो तय की, पर उन दोनों को दूरी तय करने में अलग अलग टाइम लगा। अब माना पहले ने 400 सेकंड में दूरी को तय किया और दूसरे ने 800 सेकंड में दूरी तय की, तो इसका मतलब स्पीड के लिए टाइम यानी समय का भी होना ज़रूरी है। इसीलिए हम कह सकते हैं इसके फॉर्मूले को, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी v इज इक्वल टू s अपॉन t। तो चाल को v से डिनोट करते हैं, और दूरी के बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। अब इसके मात्रक यानी यूनिट की बात करें तो इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि दूरी का मात्रक होता है मीटर और सेकेंड होता है टाइम का यानी समय का, इसलिए हमारे इसका मात्रक जो बनेगा मीटर प्रति सेकेंड होगा। और ये राशि कौन सी है आप बताओ इसका आंसर, क्योंकि क्वांटिटीज यानी राशियों के बारे में पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको पता है कि ये कौन सी राशि है तो वेरी गुड, अगर आपको नहीं पता तो आप जान लो। यह है हमारी अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। तो अदिश राशि क्यों है? अगर आपको यह भी नहीं पता तो वीडियो देख लेना सदिश और अदिश राशि वाली। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। तो बस, तब तक के लिए बाय बाय।